दोस्तों, हजारों सालों से मनुष्य शरीर और मन से हेल्दी रहने की कोशिश करता आ रहा है और जो भी उसको लगता है कि वो सारा कुछ हो कर रहा है। आजकल क्वांटम फिजिक्स थ्रू शरीर और मन के सेहत के बारे में सोचने का टाइम है। आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला या फिर क्वांटम फिजिक्स आने के बाद मनुष्य का शरीर, मन और प्रकृति के बारे में सोचने का ढंग बहुत हद तक बदल चुका है। सिर्फ शरीर जो दिखता है या फिर पंचेंद्रिय को जो अनुभव होता है उतना ही नहीं है, उसके पीछे एक एनर्जी काम कर रहा है। तो वो एनर्जी भी हेल्दी होना बहुत जरूरी है। हजारों सालों से हमारे ऋषि मुनि वही कहते आ रहे हैं, उन्होंने जो कहा था वही अभी क्वांटम फिजिक्स कह रहा है। पुराने प्राचीन कालों में जापान या फिर चाइना, भारत जैसे देशों में हेल्दी रहने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स हुआ करते थे। वो रेकी, प्राणिक हीलिंग, आकुप्रेशर, आकुपंक्चर, मैग्नेटोथेरेपी, मसाज थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, एरोमा थेरेपी, ऐसे बहुत सारे अलग अलग ट्रीटमेंट्स या फिर थेरेपीज हुआ करते थे। वो यूज करके भी मनुष्य के सेहत में सुधार आता था, मन से और हेल्दी रह सकते थे वो। तो आजकल ये जो इनके पीछे जो साइंस है उसी को क्वांटम फिजिक्स अभी एक्सप्लेन कर रहा है। अभी वायरलेस टेक्नोलॉजी कितना बढ़ गया है वो आजकल हम देख ही रहे हैं। तो ऐसे ही मनुष्य भी प्रकृति से जुड़ा है, एक एनर्जी थ्रू प्राण शक्ति, चैतन्य शक्ति से वो जुड़ा है। ये हम हेल्दी रह सकते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, प्राणायाम, योगासन और मेडिटेशन करने से मनुष्य का शरीर और मन हेल्दी हो सकता है, हेल्दी रह सकता है, यही हमारे ऋषि मुनियों ने कहा। तो आजकल दोस्तों ये हमें समझना है, जानना है और डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि हीलर हमारे अंदर ही है। जब हम उस शक्ति को जागृत कर लेते हैं और सही तरीके से उस शक्ति का इस्तेमाल करते जाते हैं तो फिर हम मन से, शरीर से और भी हेल्दी रह सकते हैं। वो शक्ति से ही हम हेल्दी रह सकते हैं, विदाउट एनी डॉक्टर या फिर विदाउट एनी मेडिसिंस। तो वो जानना बहुत ज़रूरी है और उसको हमें लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है ताकि हम और भी हेल्दी, हैप्पी, पीसफुल रह सके। थैंक यू।